Thank you, Gayatri. Thanks a lot. I think I'm in a unique position because I spent about 10 years looking after CSR, sustainability, and community work for one of the largest organizations in the world. And in the process, I was able to interact and forge partnerships with almost 200 NGOs, choti se badi, gram level pe kaam karne wali sansthaye, स्टेट लेवल पे काम करने वाली नेशनल एनजीओ और इंटरनेशनल एनजीओज के साथ में मुझे काम करने का मौका मिला. वो काम जब देखा और उसके साथ ही शायद मैं भी इवॉल्व हुआ सीएसआर या कम्युनिटी वर्क स्पेस में, मेरी कंपनी की इवोल्यूशन भी उसके साथ साथ में थी. और जो किक मिलनी शुरू हुई, जो मज़ा आना शुरू हुआ, जो कम्युनिटी की शाबाशी मिलनी शुरू हुई, अपने आप को जो अच्छा लगना शुरू हुआ, that kind of paved my way for transform for moving out from corporate and getting into the hardcore social sector. Some 3.5 years back I joined Swadesh Foundation. Ronio Zarina Skruvala ne jab UTV group se exit kiya, UTV motion pictures aur UTV broadcasting ko unhone Disney ko becha, to jo wealth create hui 500 takriban 50% ke kareeb ki wealth they committed to philanthropy and they looked at जो एक हमारी छोटी सी उस वक्त संस्था होती थी जिसको हम शेयर कहते थे, सोसाइटी टू हील एड रेस्टोर एजुकेट. सो दे विजुलाइज कि कैसे हम इस संस्था को अगले रूप में लेकर जाएं, क्या हम सिर्फ पानी को छोड़ के कुछ और काम कर सकते हैं और हमें क्या काम करना चाहिए. एंड दैट वॉज द पॉइंट वेयर दे पिक मी अप एंड आई फाउंड द राइट मोमेंट. सो टू आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, द जर्नी has been smooth, there was not roadblock, particularly because jo founders the wo bade clear the apne mann mein ki hame ek scale ke liye kaam karna hai, hame ek development ka model banana hai, hame corporatize ngo ki tarah se kaam karna hai. We don't have to work for excuses ki mann ko acha laga kuch kar liya, delivery nahi hui chalega, aaj kuch bahana hai parso kuch bahana hai, wo nahi chalega. अगर हमने एक टाइम लाइन एक प्रोजेक्ट के लिए प्रोग्राम के लिए सेट की है तो उस पर काम करेंगे. तो मैं क्योंकि उसी माहौल से आया था, मेरे लिए ट्रांजिशन बड़ी अच्छी रही एंड इट गेव मी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू लुक एट द न्यू फ्रंटियर्स. सो वी इवॉल्व आवर स्ट्रेटजी अबाउट 360 डिग्री डेवलपमेंट. 360 डिग्री डेवलपमेंट जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था, वी आर लुकिंग एट एब्सोल्यूट इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी फ्रॉम 2000 विलेजेस दैट वी आर वर्किंग राइट नाउ. और जब हम इरेडिकेशन ऑफ पावर्टी की बात करते हैं तो हम लोग बात करते हैं मेंटल पावर्टी एज वेल एज इकोनॉमिक पावर्टी. सो इकोनॉमिक पावर्टी के लिए आपको संसाधन चाहिए, आपको स्किल्स चाहिए, आपको राइट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, एजुकेशन चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट मेंटल पावर्टी जिसको अगर मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन करना चाहूँ, लॉस ऑफ होप, लॉस ऑफ एस्पिरेशन, एक फेटलिस्टिक एटीट्यूड बनना कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, भगवान भरोसे हैं, इससे अच्छी एजुकेशन मुझे मिल नहीं सकती, इससे ज़्यादा खाना मैं अपने बच्चे को खिला नहीं सकती हूँ, मेरी खेती तो पानी बरसात पे ही निर्भर होगी, दो तीन साल में ड्रॉट आएगा, पाँचवें साल में फ्लड आएगा, तो मेरे को उसी लाइफ साइकिल के साथ जीना है. तो दिस इज़ वॉट वी वॉन्ट टू एक्चुअली ब्रिंग अबाउट अ चेंज. वी वॉन्ट टू रिकिंडल दैट होप एंड एस्पिरेशन. एंड सम ऑफ माई को पैनलिस्ट हैव मेंशन लिटिल बिट अबाउट नीड असेसमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. I don't fully subscribe to this view particularly, and this is my opinion. No offense meant to anyone. Need assessment में typically क्या निकल के आता है, रोटी कपड़ा मकान, basic needs, infrastructure, now education and health, etc. But कहीं पर hope निकल के आती है, कहीं पर aspiration निकल के आती है. In today's environment when we are talking of digital world and e-connected world, why do we believe कि जो rural या जो हमारे बॉटम ऑफ द पिरामिड पे लोग साथ में रहने वाले हमारे भारतीय या और लोग हैं, उनकी शायद एस्पिरेशन या सोच कम होगी? क्या वो उसी मीडिया से एक्सपोज नहीं है जिससे हम एक्सपोज हैं? क्या वो इंटरनेट की उसको लिमिटेड एक्सेस नहीं है? क्या वो टीवी नहीं देखता, टीवी पे सारे सीरियल नहीं देखता, न्यूज़ नहीं देखता? दे ऑल्सो गेट दैन एक्सेस. सो वाई वुड दे लाइक टू हैव अ बेटर टॉयलेट विद प्रॉब्ली सम टाइल्स विच इज़ हाइजीनिक इंस्टेड ऑफ अ शेंटी विच इज़ ओपन टू द स्काई. सामने आप दरवाजे की जगह कपड़ा टांग लो और गंदा सा फ्लोर होगा और नाम के लिए टॉयलेट होगी, फिर हम बोलते हैं कि लोग टॉयलेट यूज़ नहीं करते. सो वी कम फ्रॉम अ स्लाइटली डिफरेंट थाट प्रोसेस.
So we are trying to change people's aspirations also, besides trying to meet the basic needs. Now coming to the question that Gayatri specifically said, forging partnerships. In my unique role in my past organization, or as we jab Swadesh Foundation mein hum kaam kar rahe hain, we scout around the country, we look for the best NGOs and other players who have done phenomenal work. And then we excite, motivate, kind of force them to come into our geography, jahan pe hum kaam kar rahe hain, because we want the best to be delivered to our people. And in this process also, we have been able to forge about 35 different partnerships. Grassroots NGO bhi hai, national level ki NGO bhi hai. And what does it take to force this partnership? I think agar hum ye maan le dimag mein ki ye partnership force karna ek shaadi bihaah jaisa mamla hai. Jaise aap shaadi bihaah karte ho, to dil ka aur man ka aur vicharon ka milna, aap sab kuch dekhne ki ek semblance banane ki koshish karte ho ki मानसिक रूप से लड़का लड़की परिवार वाले एक स्तर पर हैं, शारीरिक रूप से एक लेवल पर हैं, और जो तकरीबन जो एस्पिरेशंस होप्स एक दूसरे से है वो भी मैच करती है. तो वी लुक फॉर अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप. वी डोंट लुक फॉर अ प्रोग्राम बेस्ड और प्रोजेक्ट बेस्ड कि छः महीने एक साल के लिए मेरे को फंडिंग लेनी है, या कॉरपोरेट सोचे कि मुझे फंडिंग देनी है, अपना काम कराओ, टिक बॉक्स लगाओ, साल के एनुअल रिपोर्ट में प्रोजेक्ट को छापो और काम खत्म कर दो. वो जमाना शायद बदल रहा है. सो वी हैव टू लुक फॉर अ विन विन सिचुएशन जस्ट लाइक ए मैरिज. एज गायत्री मेंशन, सम ऑफ द की फंडामेंटल्स ऑफ क्रिएटिंग दैट विन विन सिचुएशन इज ईच ऑफ अस सिटिंग द कॉर्पोरेट साइड, एंड आई एम एक्चुअली ऑन योर साइड कमिंग फ्रॉम एनजीओ. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स नीड्स एंड एस्पिरेशंस ऑल्सो. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कम्युनिटीज नीड्स एंड एस्पिरेशन, पर कॉर्पोरेट नीड इज कमिंग आउट वेरी क्लियरली that they also are looking for some kind of return. CSR ki evolution agar thoda sa main ek bracket mein dalna chahun, defensive se chalu hui apne aap ko protect karne ke liye, paap dhone ke liye, uske baad wo shayad approach change hui philanthropy ki nahi kuch karna hai, uske baad ek aspect aaya ki kaise main apni reputational gain le sakun, little bit promotional, little bit of marketing, little bit of brand promotion, company ki corporate image kaise sudhre. And now we are looking at a strategic investment. सो कॉर्पोरेट्स आर गेटिंग ट्यून्ड. कॉर्पोरेट के पास मैन पावर नहीं थी पहले. टिपिकली CSR बजट या HR हेड के पास सिट करता था या डायरेक्टर फाइनेंस के पास में होता था. नाउ स्पेशली CSR पीपल आर कमिंग, मैनी ऑफ दिस प्रोफेशनल्स आर कमिंग फ्रॉम द ग्रासरूट सेक्टर्स और द डेवलपमेंट सेक्टर्स. सो हु अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ इनपुट आउटपुट आउटकम थ्योरी ऑफ चेंज लॉजिकल फ्रेमवर्क्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो कॉर्पोरेट्स आर ऑल्सो बिकमिंग स्मार्टर, एंड दीज पीपल आर causing or want to ensure that the investment goes into the right direction. So you have to study that corporate also in that angle. We have to study that corporate in that angle. The key fundamentals that are required to make a partnership succeed. So first is trust. At the top level, there should be clarity of thought, vision and mission, that aapka jo vision vision hai, donating agency ka jo mission vision hai, वो कंट्रास्ट में तो नहीं है, एक साथ है. उसके बाद में प्रोजेक्ट में या प्रोग्राम में कितनी हम ट्रांसपेरेंसी ला सकते हैं. काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स या प्रोग्राम ऐसे बनते हैं ओवरलोडेड विद हिडन कॉस्ट, मिसलेनियस एक्सपेंसेस ऑन टॉप ऑफ दैट 10% कॉन्टीजेंसी एक्सपेंसेस, ऑन टॉप ऑफ दैट 15% एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेज, ऑन टॉप ऑफ दैट 10% मॉनिटरिंग रिवेल्यूशन एक्सपेंसेज, ऑन टॉप ऑफ दैट 5% कम्युनिकेशन एक्सपेंसेज. इवेंचुअली जब आप उसका, और कॉर्पोरेट्स एक्सपर्ट हैं इसको डाइसेक्ट करने में, और वो बोलते हैं यार मेरे 100% दिया था, 100% में से 40% कम्युनिटी के पास पहुंच रहा है, 60% तो ये एनजीओ का खर्चा चलाने में लग रहा है, तो क्या मैं एनजीओ चला रहा हूँ या कम्युनिटी को बेनिफिट दे रहा हूँ. सो वी हैव टू बिकम लिटिल स्मार्टर एंड सी दैट आवर प्रपोजल्स आर फाइन, एंड ओनली अ टॉलरेबल लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसिस, और सिर्फ आउटपुट इंडिकेटर से खुश हो कि आपको आउटकम भी चाहिए. So if we are able to bring clarity about all of these things at a proposal stage or a grant stage, I think the partnership will flourish over long term. There are a lot of things I can share, I can talk about, but looking at a limited time, but happy to be engaged during lunch hours or during question answer session on further refining the partnerships and taking the best, you know, apna aap log ka hamara sabka jo panelist hai, aim kya hona chahiye, हमारी अठन्नी 50 पैसे 1 रुपए में कैसे चले,
कम्युनिटी को उसको मैक्सिमम बेनिफिट कैसा मिले. सो इफ दैट रिमेन्स द कॉमन गोल आई थिंक नो पार्टनरशिप कैन फेल. थैंक यू.